हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल एडोर कलेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें लिख के दी गई संख्याओं को भिन्न रूप में, दी गई संख्या को भिन्न रूप में लिखो। डेसिमल वाला एक नंबर दिया है जो डेसिमल में है, डेसिमल फॉर्म में, इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, दशमलव रूप से भिन्न रूप में, बहुत सिंपल है। पहले भी बताया था, जब भिन्न वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, जिसमें मैंने आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो बताया था। ये डेसिमल से एक बार फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है। इसमें अपॉन करिए, सबसे पहले लिखिए 1, इसके बाद देखिए डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा यही करेंगे कि जो डेसिमल है उसका 1 लिख लीजिए, इसके बाद फिर जितने नंबर हैं उसके 0, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, और ये डेसिमल का 1। डेसिमल के पहले, दशमलव के पहले जितने भी 0 लिखे हो उनका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो ये करेंगे, तो ये क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0001/10,000। तो इस जीरोस के तो कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या आएगा 1/10,000। तो हमारे पास चार ऑप्शन थे, 1/1,000, 1/100, 1/10,000 एंड नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज 1/10,000। राइट, वेरी सिंपल। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज से है। परसेंटेज जनरल हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सिंप्लीफिकेशन में भी इसको ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आज के लिए लिया है। क्वेश्चन है, एक टीम ने 20 खेलों में से 80 खेल जीते, 80% खेल जीते। ठीक है, तो टीम ने कितने खेल हारे। राइट, ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर 2, 6, 4 and 5। राइट, देखिए टीम ने कितने मैच खेले टोटल, 20, जिसमें से 80% हार गई, तो जीते, सॉरी 80% जीती, तो फिर हारे कितने, 20%। 100% यानी कितना हुआ, 20, 100% यानी 20, इसमें से 80% जीती है, तो बचे कितने, 20% जो वो हारी है। तो 20 का 20% निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 इंटू कितना परसेंट निकालना है, P/100 होता है। ठीक है, परसेंटेज जितना है वो उसके, तो हमारा परसेंटेज कितना है, 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये जीरोस क्रॉस हो जाएंगे, 2 2 4, कितने मैच जीते, 4। राइट, 4 मैचेस जीते। क्लियर, परसेंटेज है, परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है, जितने जितने का परसेंटेज, 100 का 10%, तो 100 × 10 × 100, 100 100 क्रॉस हो जाएगा, क्या आएगा, 10। ठीक है, परसेंटेज अपॉन 100, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालकर बताइए, हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने
इजी हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको बेसिक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम जिस किसी टॉपिक में आपके लिए प्रॉब्लम है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, राइट। और जिस टॉपिक पे हम अभी क्वेश्चन ले रहे हैं वो मैंने आपको बेसिक, इसीलिए मैं पहले बेसिक्स के वीडियो लेकर आई ताकि जो भी फॉर्मूले हैं या ट्रिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे जो मिला था वो पेडोगॉजी का है। पेडोगॉजी पे अभी हमने डिस्कस नहीं करा है पर ये एक जनरल सा क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि पांचवी कक्षा का एक छात्र 5 + 4 = 20 लिखता है तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट उसे गणित का ज्ञान नहीं है, उसे लिखने का ज्ञान नहीं है, उसे पढ़ने का ज्ञान नहीं है, यह हमारा लास्ट ऑप्शन है, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है छात्र क्या लिख रहा है। यदि पांचवी का एक छात्र 5 + 4 = 20 लिखता है, इफ अ स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास राइट 5 + 4 = 20 देन वी कैन से दैट ही डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ मैथ्स, ही डिडंट हैव द नॉलेज टू राइट एंड ही डिडंट हैव नॉलेज टू रीड, या ही कांट रीड एंड या लास्ट वन इज ही कांट प्लस। सो देखिए, अगर वो लिख रहा है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 5 × 4 = 20 यानी प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मतलब उसे मैथ्स का ज्ञान है, उसे लिखने का भी ज्ञान है क्योंकि वो राइट लिख रहा है, उसे पढ़ने का भी ज्ञान है क्योंकि वो समझ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या कर रहा है, वो प्लस नहीं कर पा रहा है, इस चिन्ह को वो नहीं समझ रहा है कि यहाँ पर हमें प्लस करना है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है, दैट इज अवर राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भिन्न से है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का प्लस माइनस। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो किसी एक टॉपिक के लिए नहीं बल्कि मिक्सअप क्वेश्चन लेकर करेंगे ताकि आपकी सभी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में अपने कमेंट्स, अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आपकी एडवाइस है वो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, ये सब चीज़ें हमारे हमें मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, दैट इज
यदि दो भिन्नों का योग माइनस फोर बाई फाइव है और यदि एक संख्या माइनस सेवन बाई ट्वेंटी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ऑप्शन है माइनस एट बाई ट्वेंटी, सेकेंड फाइव बाई सिक्स, थर्ड वन इज माइनस नाइन बाई ट्वेंटी एंड लास्ट ऑप्शन है थ्री बाय सेवन। चलिए दोस्तों देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्या करना है? देखो इन्होंने क्या कहा, सपोज हम ले लेते हैं कि जो दूसरी भिन्न है वो पी अपॉन क्यू है, ठीक है, और ये कह रहे हैं इसको सेवन बाई ट्वेंटी से प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? माइनस फोर बाई फाइव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? p बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फाइव। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए मैं एक बार करके बता देती हूँ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस सेवन बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फाइव। सो p बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई ट्वेंटी, राइट, ठीक ना? अब आप या तो एलसीएम लेकर कर सकते हो या फिर इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लो। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी इसका फोर से मल्टीप्लाई होगा था माइनस सिक्सटीन प्लस सेवन, सो ये माइनस नाइन बाय ट्वेंटी, राइट। देखिए दोस्तों जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आओगे माइनस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई ट्वेंटी, राइट। बाकी सारे स्टेप तो आपके माइंड में होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका पेन पेपर का यूज़ जितना कम होगा उतना ही टाइम सेव होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। और मैथ्स एक बहुत ही कवरिंग सब्जेक्ट है, मीन्स आपके जो मार्क्स हैं वो मैथ्स में फुल भी हो सकते हैं। ये तो आपके एकेडमिक में भी था, मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट रहा जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। इसी तरह कॉम्पिटिटिव में भी मैथ्स में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो मैथ्स में आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, तो ये आंसर कितना आया? माइनस नाइन बाई ट्वेंटी, ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन सी सही है, माइनस नाइन बाई ट्वेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन से। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर से, नॉट फ्रैक्शन, इस पावर। एम और एन दो पूर्णांक है, यदि एम पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 36 तो एन पावर ऑफ एम इक्वल क्या? ऑप्शन है 25, 36, 64 या 121, राइट। चलिए देखते हैं, क्या है? एम पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 36,
36 को आप किसकी पावर में लिख सकते हैं? 6 पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं आप। तो m पावर ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 पावर ऑफ 2, यानी m इक्वल 6 और n इक्वल 2। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है? n पावर ऑफ m यानी 2 पावर ऑफ 6, यानी 2 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन। राइट, करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 36, 36 टू जा 64। राइट, सो आंसर इज सी। क्या बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर सी आ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर? राइट, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमने प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन किए थे का समझा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू क्वेश्चन है 6471 35 में 7 और 3 के स्थानीय मानों, यानी ये होता है प्लेस वैल्यू। राइट, प्लेस वैल्यू में अंतर ज्ञात करिए। राइट, ऑप्शन ए 6 5 0 6 7, बी इज 4 0 3 5, सी इज 6 3 0 6 0 एंड डी इज 6 9 7 0। फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर 7 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार क्या होगा? 1000 का मल्टीप्लिकेशन, और 3 यानी 10, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7000, और 3 की 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 9 6, आंसर इज डी। ओके, देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं, सिंपल है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो सिंपल क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरीके से क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की पेडागॉजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।